अब तक 23 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट दे चुका है दस्तक। जानिए भारत की स्थिति, दुनिया का अपडेट। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा है कि 23 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। देशों की संख्या में अभी इजाफा हो सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। कोरोना का ये वेरिएंट अब तक 23 देशों में फैल चुका है, इसमें अमेरिका भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ है उसे कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। WHO के चीफ ने बुधवार को कहा है कि 23 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के केस सामने आए हैं। मामले बढ़ने के साथ इन देशों की संख्या में अभी इजाफा हो सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट काफी अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। यह सबसे पहले नवंबर में अफ्रीका में सामने आया था। अब तक 23 देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। आइए जानते हैं कहां कितने केस सामने आए हैं। अमेरिका में 1 केस, ऑस्ट्रेलिया में 7 केस, ऑस्ट्रिया में 1 केस, बेल्जियम में 1 केस, बोत्सवाना में 19 केस, ब्राजील में 2 केस, कनाडा में 6 केस, चेक रिपब्लिक में 1 केस, डेनमार्क में 4 केस, फ्रांस में 1 केस, जर्मनी में 9 केस, हांगकांग में 4 केस, इसराइल में 4 केस, इटली में 9 केस, जापान में 2 केस, नीदरलैंड में 16 केस, नाइजीरिया में 3 केस, नॉर्वे में 3 केस, पुर्तगाल में 13 केस, सऊदी अरब में 1 केस, स्पेन में 2 केस, दक्षिण अफ्रीका में 77 केस, स्वीडन में 3 केस, यूके में 22 केस। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ चुका है। यहाँ कैलिफोर्निया में पहला केस मिला है। यह शख्स कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद संक्रमित हुआ है। हालांकि इसमें हल्के लक्षण हैं और वह ठीक हो रहा है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि नया वेरिएंट भारत में ना आए, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारत में कई संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन और एम्स्टर्डम से आए 4 यात्री कोरोना संक्रमित मिले थे। इन सभी की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल भेज दिए गए हैं और मरीजों को LNJP में भर्ती कराया गया है। इस खबर को देखने के लिए धन्यवाद। कोरोना ओमिक्रॉन से जुड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ।